हाय माय फ्रेंड्स, आज मैं हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोस्पाइस बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है, जो मुझे बहुत पहले लेके आनी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं लेके आ पाया। और तो बताता हूँ मैं आपको प्रोस्पाइस के बारे में क्या है। ये जो प्रोस्पाइस पोएम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पत्नी थी एलिजाबेथ ने, इनकी डेथ के बाद इन्होंने लिखी थी। इनकी जो डेथ थी एलिजाबेथ की, 1861 में हुई थी, और जो ये पोएम जो लिखी गई है वो 1864 में है ना। इसका प्रोस्पाइस का मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड, आगे देखना। तो अब देखते हैं इसके बारे में, इस पोयम के बारे में। तो इसमें हम थोड़ी बता दें आपको, यहाँ पे इस पोयम में आपको कुछ बताए, बस ये बताया गया है कि किस तरह से जो कवि है वो मृत्यु से बोलता है कि मतलब मृत्यु को हंसते हंसते सहना चाहता है। पूरा इसका सार ये है कि वो मृत्यु को हंसते हंसते सहना चाहता है, एक ही बार में तड़प तड़प के वो मरना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि मृत्यु आए, मुझे गले लगाए, लेकिन एक ही बार में। वह बार बार तड़प तड़प के मरना नहीं चाहता है। देखते हैं दोस्तों। फियर डेट टू फील द फॉग इज माई थ्रोट, द मिस्ट इज माई फेस, वेन द स्नोज बिगेन एंड द ब्लास्ट डिनोट, आई एम नीरिंग द प्लेस, द पावर ऑफ द नाइट, द प्लेस ऑफ द स्टॉर्म, द पास्ट ऑफ द फो, वेयर ही स्टैंड्स द अर्थ फियर इन अ विजिबल फॉर्म, एट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, फॉर द जर्नी इज डन एंड द समिट अटेंड एंड द बैरियर्स फॉल, तो आर बैटल्स टू फाइट आर द ग्रुडम बी गेन्ड, ही रिवॉर्ड ऑफ इट आल, आई वॉज इवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट आई वुड हैड दैट डेथ बैंडेज माई आईज एंड देयर फॉर मोर एंड बेड मी क्रीप पास्ट, नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट फॉर लाइक माई पियर्स, द हीरोज ऑफ ओल्ड बियर द बर्न्ड इन अ मिनट पे ग्लोड लाइफ्स एरियाज ऑफ पेन डार्कनेस एंड कोल्ड, फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स इन द बेस्ट ऑफ द ब्रेव, द ब्लैक मिनट्स एट एंड द एंड द एलिमेंट्स रेज द फाइंड वॉइस दैट रेव, सेल ड्विंडल, सेल ब्लेंड, सेल चेंज, सेल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन, देन अ लाइट, देन थाई ब्रेस्ट, ओ थाउ साउल ऑफ माई साउल, I shall clasp thee again and with God be the rest. देखते हैं दोस्तों इसके अर्थ के समरी पे ले चलते हैं आपको। अब कवि कह रहा है, क्या मुझे मौत से डर है, क्योंकि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। इसलिए कवि ऐसा कह रहा है, क्या मुझे मौत से डर है, क्योंकि मौत उनकी तरफ बढ़ रही, मेरी तरफ बढ़ रही, फिर भी मैं नहीं डर रहा। मेरा गला रुंध रहा है, मेरी आवाज दब रही है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, और तेज बर्फीली हवाएं भी आ सकती हैं या चल रही हैं, तूफान आए या बिजली गड़के, फिर भी ये सारी चीजें मुझे नहीं डरा सकती। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कब डरते हैं, एकदम बिजली गड़की तो हम डरने लगते हैं, मौत से डरते हैं। लेकिन यहाँ कवि क्या कह रहा है, मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं उस स्थान पर पहुंचने वाला हूँ जहां पर, कहाँ पर, जहां मृत्यु मेरे पास आने वाली है, बिल्कुल मेरे सामने, फिर भी मैं नहीं डरूंगा। भाई एक बहादुर आदमी, मैं एक बहादुर आदमी की तरह मौत का सामना करूंगा। किसकी तरह, ब्रेव मैन की तरह। कवि कह रहा है कि अब उसके सामने जीवन और मृत्यु की दो जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को वो पार कर चुका है। मतलब जीने और मरने की कोई, जीने की अब कोई आशा नहीं रह गई है। अभी कवि कह रहा है कि जीवन रूपी युद्ध तो मैंने जीत लिया है, लेकिन एक लड़ाई अभी बाकी है, उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए। किस पुरस्कार की कवि बात कर रहा है, देखते हैं आगे। वो मृत्यु के बाद जो शांति की प्राप्ति होती है, उस पुरस्कार को प्राप्त करने की बात कर रहा है। क्योंकि अभी तो जो मृत्यु का दर्द झेल रहा है, अभी क्योंकि वो मरा नहीं है, मृत्यु का दर्द झेल रहा है, जो वो पुरस्कार उसे मिलेगा वो उसका अंतिम पुरस्कार होगा। मैं हमेशा से योद्धा रहा हूँ, तो क्या हुआ, एक लड़ाई और सही, क्योंकि योद्धा रहा है, योद्धा का काम क्या होता है दोस्तों, योद्धा का काम होता है लड़ना। तो कह रहा है एक लड़ाई और सही, एक लड़ाई और सही, यह लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी। मुझे सख्त नफरत है कि मृत्यु मेरे आंखों पर पट्टी बांधे, या मुझे फटकार लगाए कि पीछे लौट जाओ, या मुझसे कहे कि यदि तुम पीछे लौट जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, या तुम्हारी जान बख्श दूंगी, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यह दर्द बर्दाश्त करना नहीं चाहता।
दर्द के मजे लेना चाहता हूँ मैं, या दर्द मतलब बर्दाश्त करना चाहता हूँ, ऐसे चाहता हूँ कि मुझे मृत्यु आए मेरे सामने लेकिन एक ही बार में आए, अपने दोस्तों की तरह, पुराने योद्धाओं की तरह, जैसे उन्होंने अपने हंसते हंसते हुए अपनी जान गंवा दी थी, उसी प्रकार मैं भी हंसते हंसते अपनी जान गंवाना चाहता हूँ। ऐसे ही मौत मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिस्से की मौत अभी बाकी है, जो मुझे उसका आनंद लेने दो। और वैसे भी जो बहादुर लोग होते हैं वे खराब वस्तु को भी अच्छी बना देते हैं, और जो अंत समय में मेरे कानों में भयानक डरावनी आवाज़ें आ रही हैं धीरे धीरे कम पड़ जाएंगी, और मेरे साहस को देखकर वो अपना रास्ता बदल लेंगी या परिवर्तित हो जाएंगी। एकदम वो मुझे दर्द के बदले शांति प्रदान कर देंगी, और मेरी और मैं तुम्हारी आत्मा से, किसकी बात कर रहा है आप दोस्तों? यहाँ पे आप अपनी पत्नी से कह रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी के बाद उसने ये लिखी थी, तो अपनी पत्नी से कह रहा है कि एकदम वो मुझे दर्द के बदले शांति प्रदान कर देंगी, और मेरी और तुम्हारी आत्मा, मतलब मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा का फिर से एक बार मिलन हो जाएगा। मैं तुम्हारे बाहों में बाहों से आलिंगन एक बार फिर से कर लूँगा, और स्वर्ग में हम दोनों बिल्कुल आराम से रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो यहाँ पे अपनी पत्नी से मिलने की बात कर रहे हैं कि जब मैं मर जाऊँगा तो तुमसे आके वहाँ स्वर्ग में मिलूँगा, और एक बार फिर से तुम्हारी बाहों में आलिंगन कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से ये पोयम हमारी कंप्लीट होती है। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, गुड बाय, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।